वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हमारा टॉपिक खवातीन के इंटरेस्ट का है और इंटरेस्ट ऐसे डेवलप होगा आपका जनाब कि हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है, लेकिन हम खूबसूरत सिर्फ मेकअप से लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी खूबसूरती में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी फिटनेस है, आपकी स्किन अच्छी होना ज़रूरी है, उसके अलावा जो आप मेकअप कर रहे हैं वो भी आपकी स्किन टोन को मैच होना चाहिए और आपका मेकअप भी आपको खूबसूरती इन्हांस करना चाहिए, ना कि आपकी जो असल खूबसूरती है उसको बिल्कुल छुपा दिया जाए। तो आज इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, लाइव कॉल्स भी हम ले रहे हैं जनाब। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे पास ब्यूटिशियन भी होंगी, फिटनेस ट्रेनर भी होंगी और उसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। तारुफ करवाती चलूँ, हमारे से जो मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, इशरत शाह होंगी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ साइमा अदनान हैं जो कि ब्यूटिशियन हैं, और उसके अलावा अली राना हमें ज्वाइन करेंगे जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। वेलकम करेंगे तीनों को, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप सब? अच्छा इशरत, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे, सबसे पहले हम आगाज करेंगे स्किन, स्किन अच्छी होना कितना जरूरी है? ये कि व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड। एग्जैक्टली, अगर आप अंदर से फिट नहीं है तो बाहर से आप डेफिनेटली डल देखोगे एंड यू फील, कहते हैं ना वो अनइवन सी स्किन टोनिंग हो जाएगी, आप में फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो इट्स बेसिकली आप जिस तरीके से अपने इनटेक लेती हैं, आपका लाइफस्टाइल है एंड द अमाउंट ऑफ वर्कआउट यू डू, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन टू ग्रो। अच्छा अर्शद, नॉर्मली लोगों की स्किन अक्सर ख़राब होती है क्योंकि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, और ख्याल रखना क्योंकि हम डिपेंड करते हैं कि सिर्फ मेकअप कर लेंगे तो हमारी सारी चीज़ें कवर, लेकिन मेकअप के अंदर भी आपकी स्किन पता लग रही होती है और डेफिनेटली आपकी स्किन फ्रेश होना, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो आपकी एक अच्छी स्किन के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले द अमाउंट ऑफ वाटर यू टेक, ठीक है, दूसरा गुड स्लीप, ठीक है, तीसरा है आपका कि आप क्या कहते हैं कम से कम यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, और वो भी देख के कि आप किस तरीके, आपका स्किन टाइप देख के आपने कॉस्मेटिक यूज़ करना है, एंड अवॉइड सन, एंड इफ़ यू गोइंग आउट इन द सन यू हैव टू गेट अ गुड सन ब्लॉक। ये सारी चीज़ें हैं जो कि काउंट करती हैं, मॉइस्चराइज योर सेल्फ वेल। परफेक्ट। अच्छा साइमा, आप चीज़ आने वाएंगे, हम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली लोगों की स्किन उससे ख़राब भी हो जाती है और बहुत ओवर डन भी कर लेते हैं, ओवर डू जो मेकअप होता है वो देखने में भी बहुत बुरा लग रहा होता है, मेकअप के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? मेकअप का यही जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा नॉर्मली यूज़ तो ठीक है, और ख़ासतौर पर आजकल लोग ये नहीं देखते कि कौन सी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड का अच्छा होना भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक तो थोड़ा सा अपनी जेब को ढीली करके अच्छी ब्रांड यूज़ करें ताकि स्किन भी जो है वो अच्छा फेस वो चीज़ें जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। और अगर आप बहुत मेहनत भी कर लेते हो तो अगर आप अच्छी चीज़ नहीं यूज़ करोगे तो वो आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के बजाय मांद ही करेगी। डिपेंड करता है कि आप अच्छे तरीके से यूज़ करें और नॉर्मल वे में जाकर यूज़ करें। अली, फिटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं मेकअप से कुछ क्रीम्स लगा लें तो हम सही हो जाएं, इंटरनली फिट होना और फिटनेस कितनी ज़रूरी है? फिटनेस बहुत ज़रूरी है, कौन नहीं चाहता मैं खूबसूरत लगूं, हर बंदे का, हर बंदा और हर बंदी का यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अच्छा लगूँ या अच्छी लगूँ। अक्सर लोग अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपको यंग रखती है, मतलब कि आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा रखती है और आपको यंग रखती है, और एक्सरसाइज आपके लेट सपोज अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनकी डबल चिन बहुत ज़्यादा होती है, फेस गोल सा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज से उनके जो फैट्स हैं वो ड्रॉप होंगे, डबल चिन ख़त्म होगी, डबल चिन ख़त्म होगी तो फेस शेप में आएगा, प्लस उनकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और एक्सरसाइज से लोग अक्सर जो उनसे ना जनाब कुछ भी ड्रेस पहन लें, किसी किस्म का महंगे से महंगा ब्रांड भी पहन लें, उन पर सूट नहीं करता, क्यों नहीं सूट करता? इसी वजह कि फिजीक उस टाइप की नहीं होती, फिजीक को बेहतर करना बहुत जरूरी है। चलिए, नॉर्मली फिटनेस के लिए आप जैसे भी बता रहे थे कि हमारी जो लोग जिम या फिटनेस के लिए ज्यादा फ्रीक होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट की जाए, और कुछ लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को, दोनों के लिए क्या कहेंगे आप? दोनों के लिए एक तो ओवर एग्जर्शन, अक्सर लोग होते हैं जनाब बहुत ही फिटनेस के होते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, जी हमें बहुत फिट रहना है, वो भी गलत है, मतलब 45 मिनट वर्कआउट इनफ,
इतने में आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी, आपके जो रोजमर्रा के लाइफ स्टाइल हैं, ऑफिस वर्क और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी आपकी सही रहेगी, और जो नहीं बिल्कुल एक्सरसाइज करते उनका फिटनेस लेवल बहुत ही जीरो, जिसकी वजह से उनके कुछ भी पहना हुआ उन्हें सूट नहीं करता, कपड़े पहने किसी भी ब्रांड का कपड़ा पहने उन पर सूट नहीं करेगा, अगर वो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली अगर कुछ भी पहनेंगे तो बेली फैट ज़्यादा होगा, लोअर बॉडी अगर ज्यादा होगी तो कुछ भी उन पे सूट नहीं करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर है जी, मिसेस नबीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का मैंने शुक्रिया अदा करना था। क्यों, क्या हुआ? इसलिए शुक्रिया, थैंक यू कहना था बहुत बड़ा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतने इतने अच्छे बच्चे डॉक्टर्स लेके आते हो और हमें बताते हो घर बैठे फ्री कि हमें क्या करना है। अरे जबरदस्त, थैंक यू, आप अप्रिशिएट करती हैं और कॉल करती हैं हर बार, सबसे बड़ी बड़ी मेहरबानी, जीते रहो। और वाकई फिट रहना चाहिए, हल्का मेकअप करना चाहिए और दुनिया के साथ चलना चाहिए, मरने के बाद किसने क्या करना है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस नवीद, बहुत शुक्रिया। अच्छा इशरत, नॉर्मली खवातीन को जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं आप ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ मेकअप के इस्तेमाल से, ओवरऑल हमारी फिटनेस इंटरनली हम इतने फिट नहीं होते, क्या होते हैं बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ मेकअप? सबसे पहले तो ब्रांड्स, ठीक है, हमारे पास बहुत लोकल क्रीम्स वगैरह आ गई हैं और अक्सर खवातीन में हमें ये देखने को मिलता है कि गोरा होना, ठीक है, तो उसकी वजह से We use all sorts of makeup without knowing कि उसके अंदर की content क्या है। Local makeups में बहुत ज़्यादा mercury, steroids का use होता है, जिसकी वजह से acne form eruptions, जो pimples बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उसके बाद pigmentations बहुत ज़्यादा होती है, sensitive हो जाती है skin, आपको किसी चीज़ को भी आप लगाओ उस पर यू फील कि आपको बर्निंग सी sensation है, आपको irritation हो रही है, एंड इन द लॉन्ग रन फिर ये ज़्यादा अगर एक्सेस पे यूज़ हुआ तो आपके लाइक फेशियल हेयर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। फेशियल हेयर, अच्छा जो आप अभी बता रही थी कि हम लोग नॉर्मली ओवर द काउंटर चीज़ें ले लेते हैं, हम नहीं बॉदर करते कि क्या उसमें चीज़ें हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी कुछ खवातीन करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? थिंग ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा एक ग्लो आ रहा, एंड देन उसके बाद आपके साइड इफेक्ट्स शुरू होंगे, एंड इन दी लॉन्ग रन आपकी एक्नी, सेंसिटिविटी, हेयर प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर शायद ये ओपन पोर्स किस वजह से होता है? आप एक्सेसिव यूज ऑफ मेकअप के साथ भी बहुत ज़्यादा पानी अगर ज़्यादा ना पिए उसकी वजह से एक्नी है, उसकी वजह से सारी। तो क्या ये ओपन पोर्स ट्रीटेबल है? हाँ, टू एन एक्सटेंट, ठीक है। अच्छा साइमा आपकी जानब आएंगे, अभी इन्होंने कहा कि हर एक को गोरा होना है, गोरा ही नजर आना है, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं? जी ये ट्रू है, और यही लोकल ब्रांड्स के साथ, और फिर सबसे बड़ी खामी ये है कि आप उनसे पूछते हो तो वो बताते भी नहीं है। वेरी ट्रू, क्लाइंट नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता कि मैं ये यूज करके आया हूँ, एंड देन उसके बाद सॉरी बात करके उसके बाद ये होता है कि लाइक आप क्या कहते हैं उसमें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ आती हूँ, इतना बुरा किया हुआ होता है कि नॉट अ ब्यूटिशियन एंड नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो किसी के बस की बात, किसी की बस की बात नहीं हो जाती। सर मैं आप कह रही थी इवन के अगर आप उस स्किन पे जब बेस बनाने लगते हो ना तो आपको लुक तो उसका फेयर आ रहा होता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड को पता चल जाता है कि ये किस तरह गोरा लुक आ रहा है आपका, तो वो जब बेस बनाते हैं तो वो ग्रे टोन में चली जाती है, उसके बावजूद आप पूछ रहे हो उनको लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और अक्सर तो मेजर डिफरेंस पता लग रहा था, हाथ की टोन डिफरेंट है, गर्दन की टोन डिफरेंट है, स्किन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अब अकल आ रही है लोगों को, वो हाथ पांव को भी करते हैं अच्छा इस तरह से अकल आ रही है, हाथ पांव भी करते हैं, लेकिन एक दो जगह से पकड़े जाते हैं कि कान के अंदर की जगह से और नेक की ये चीजें जो होती है ना, वजह है हमें इतनी ज्यादा गोरे होने की क्यों है पता नहीं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही इस तरफ चला गया हुआ है का गोरा। हाँ वैसे ये तो एक बड़ी जेन्युइन बात है, हमारे ब्यूटी का मैार गोरा है, इवन अगर आप किसी को कह दो ना कि तुम क्यों गोरा हो गए तो तुम्हारा रंग साफ है इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों, हालांकि ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि जो टैन फेसेस होते हैं उनकी स्क्रीन ब्यूटी के साथ साथ उनकी वैसे भी बहुत हर चीज उनको सूट कर जाती है, द वे यू कैरी योर सेल्फ रिप्रेजेंट्स यू। और टैन लुक वाले अगर करते हैं ना अपना इसको क्रीम वगैरह को यूज और वो व्हाइटनेस की तरफ आते हैं उनके नक्श फटे हुए लगते हैं, और इस चीज को लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं बस हमें गोरा लगना है।
अच्छा तो 20 का इस्तेमाल क्योंकि आप नॉर्मली चूंकि थोड़ी बहुत मेकअप की नोहा मुझे भी होती है स्किन टोन के मुताबिक या एक कलर लाइटर आप करते हैं लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इतनी ब्राइट बेस यूज करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं. इस तरह आती हैं क्लाइंट्स इवन ब्राइट्स के लिए उनकी मदर्स को हो रहा होता है कि इनको ओवर लुक दें वाइट की तरफ ना तो उनको समझाया भी जाता है कि ये ग्रे में चला जाएगा लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और क्योंकि मैं 18-20 के अलावा मतलब इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ कि 18-20 का फ़र्क आ जाए लेकिन वो फिर बाद में ये होता है कंप्लेन का सिलसिला जारी हो जाता है. नॉर्मली ठीक हो गया. अच्छा इर्शाद नॉर्मली अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारे मसाइल भी होते हैं बट स्टिल आप अपनी डाइट से कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे अपनी स्किन बेहतर कर सकते हैं तो आप नॉर्मली क्या रिकमेंड करती हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए ऑयली स्किन के लिए क्योंकि स्किन टाइप्स भी तो डिफरेंट होती हैं. एक्नी प्रोन स्किन के लिए आपने ये देखना कि आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना यूज़ करें डाइट में भी और रेगुलर जो आपकी चीज़ें होती है इवन सन आप एट टाइम्स आप लेते हैं जो हैवी मेकअप्स होती हैं उसमें ऑयल कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो जिनका ऑयली स्किन है दे शुड अवॉइड दिस. मैट में चले जाएँ ज़्यादा बेहतर होता है. एंड जैसे बहुत ड्राई स्किन है वो एट टाइम्स और अपने आप को ड्राई करने के लिए एक्नी वाली जो हर्बल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं तो यू शुड अवॉइड दैट एज वेल. इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर देयर लाइक इश्यूज एंड देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद इट. रैंडमली जाके आप केमिस्ट से या किसी से पूछ के मुझे एक्नी है मुझे एक सन ब्लॉक दे दे ये कर दे वो कर दे. सन ब्लॉक के हवाले से क्योंकि मेकअप से पहले भी अक्सर डॉक्टर्स या जो ब्यूटिशियंस है वो रिकमेंड करते हैं आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें तो क्या SPF होना चाहिए किस तरह. मिनिमम SPF 60 होना चाहिए हमारे स्किन टोन के लिए 60 होना चाहिए मिनिमम. साइमा नॉर्मली प्राइमर्स और अब चूंकि नई नई चीज़ें आ गई हैं मेकअप में तो किस तरह के मेकअप ट्रेंड्स की भी बात की जाए क्या चल रहा है आपके. कल तो दोबारा लाइट टोन की तरफ और मैट लुक की तरफ जा रहे हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पता है कि अवेयरनेस जो है देर से आती है. हमारे साथ कॉलर हैं जी सबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अर्मला कैसी हैं आप. मैं ठीक हूँ सबा. आप कैसी हैं. जी मैं भी ठीक ठाक. मेरा सवाल स्किन स्पेशलिस्ट से है. मैंने पूछना था कि ये जो क्रीम्स का इस्तेमाल जो करते हैं उससे जो चेहरे पे बारीक बारीक लाइंस पड़ जाती हैं उनका क्या हल है और जो पानी की कमी की वजह से हमारे चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं वो किस तरह दूर किए जा सकते हैं. ठीक हो गया ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सबा. वो लाइंस की बात कर रही हैं जो क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से नॉर्मली रिंकल्स टाइप वो कह रही थी कुछ ऐसे आ जाते हैं और पानी की कमी की वजह से स्किन के कौन से इश्यूज. एज ठीक है किस एज पे आप यूज़ कर रहे हैं. ओवर यूजेज ऑफ मेकअप लीड्स टू लाइक कहते हैं ना ए डायनामिक रिंकल्स. उसका मतलब है कि वक्त से पहले आपके चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं. जो आप पानी कम पिए स्ट्रेस लें ठीक है और क्या कहते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ मेकअप एज सेड अर्लियर तो इनकी वजह से ये फाइन लाइंस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. दूसरा जो पानी की वजह से एलर्जीज हो रही है इट्स नॉट वाटर बट उसके साथ जो आप कोई सोप या डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा तो यू हैव टू अवॉइड दैट. किस तरह का फेस वॉश या कौन सी ऐसी चीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए. ड्राई स्किन पे आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वाला यूज करें ठीक है और एक्नी प्रोन स्किन के लिए आपका वो क्या कहते हैं सैलिसैलिक वॉश वगैरह आती है ठीक है उस टाइप का यूज करें. ठीक हो गया. अली आपकी जाने भी आएंगे. एक्सरसाइज जैसे अभी आपने बताया कि ट्रैश डाइट और ये सारी चीज़ें भी स्किन को बहुत डैमेज करती है. नॉर्मली कुछ ऐसे फिटनेस के लिए थेरेपीज भी बताई जाती है एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं जो आपकी बॉडी को या आपके फेस को बहुत वो एक बैलेंस सा रखती हैं. क्या होती हैं वो एक्सरसाइज. तो बहुत हैं ठीक है. सबसे पहले भी फूड की बात है. फूड अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी ओवरऑल स्किन वगैरह भी सब सही रहेगी. और एक्सरसाइज आप कार्डियो ट्रेनिंग करेंगे जिससे आपका फिटनेस लेवल भी अप रहेगा और बेहतरी वाली साइड पर जाते जाएंगे. अक्सर लोगों का एक इशू होता है कि जी जनाब हमारी स्किन लूज हो गई जिसकी वजह से गर्ल्स के भी और बॉयज़ की भी थोड़ी जुलियाँ टाइप सी बन गई हैं मतलब कि साइकिल्स वगैरह बन जाते हैं. स्माइल करते हैं तो स्किन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है लूज हो जाती है. वो इसी वजह से होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर फैट्स की वजह से उनकी फेस की शेप नहीं बेहतर होती है. और अगर शेप बेहतर करनी है तो एक्सरसाइज करेंगे तो उसे बेहतर होना शुरू हो जाएगा. और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजें भी हैं जो करनी चाहिए पर लोग नहीं करते नहीं करते. थैंक यू वेरी मच. आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ रहे. और अभी हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिटनेस के हवाले से योगा एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे. एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर.